हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द आईआईटी इंदौर पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम फॉर द स्प्रिंग सीजन 2020। तो यहां पे जो है आईआईटी इंदौर में मेनली पीएचडी एडमिशन के लिए जो है प्रोग्राम शुरू हो चुका है, यानी इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है मेनली फॉर द बायोसाइंस कैटेगरी। अदर कैटेगरी के लिए इनके बहुत पहले जो है नोटिफिकेशन आ चुके थे, लेकिन 2024 में जो है फिलहाल में इन्होंने बायोसाइंस कैटेगरी या बायोसाइंस डिपार्टमेंट के लिए पीएचडी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आपको पीएचडी प्रोग्राम में क्लिक करना है। पीएचडी प्रोग्राम में क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिटेल मिलेगा। अगर आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे जिसमें कि आप मेंशन है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पीएचडी एडमिशन एंड प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी। तो आपकी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि हमको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो हम एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास एक ऐसा पेज ओपन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन है दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर एडवर्टाइजमेंट फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बहुत पुराना सेशन के बारे में मेंशन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं दैट इज दिस वन, ठीक है, यहाँ पे बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे दिखा के रखा है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर बीएसबीई पे क्लिक करना है आपको। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है अप्लाई करने की, वो होने वाली है 11th of February 2024। इसको अप्लाई करने में ऑब्वियसली आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए फी जो है आपसे 100 रुपीज चार्ज किया जाएगा अगर आप इंडियन एप्लीकेंट हैं तो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए भी जो ऑप्शन है वो रखे हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर बीएसबीई तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, आई मीन एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसी में सारा का सारा डिटेल मेंशन है अबाउट द साइंस बैकग्राउंड, की साइंस के जो बच्चे हैं वो कैसे जो है पीएचडी के लिए आईआईटी इंदौर में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिटेल को हम समझ लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और बाकी सब इंपॉर्टेंट चीजें। तो एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, और ये एडवर्टाइजमेंट है फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर स्प्रिंग 2024। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो रहने वाली है 11th of February, और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड पीएचडी इंटरव्यू जो है वो होने वाला है 23rd of February 2024। तो इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा उसमें आपको रिटर्न टेस्ट भी देना होगा और पीएचडी इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे कि मेंशन है द डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी इंदौर इनवाइट्स पीएचडी फ्रॉम मोटिवेटेड एंड रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट फॉर द एडमिशन टू इट्स पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पे फैकल्टी का नाम मेंशन है, साथ ही साथ रिसर्च लेबोरेटरी दैट इज ड्रग टारगेट डिजाइन एंड डिस्कवरी लैब, यहाँ पे लैब्स के बारे में मेंशन है। इनफैक्ट यहाँ पे क्लिक करके जो है आप बाकी डिटेल्स को भी देख सकते हैं कि कौन से फैकल्टी के लैब में किस किस तरीके के काम चल रहे हैं और उनके अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको किस लैब में जो है मेनली आपका इंटरेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर रिसर्च लेबोरेटरी की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी लैब है, इसके अलावा बायोफिजिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लैब है, मॉलिक्यूलर सेल सिग्नलिंग लैब है, इसके अलावा इन्फेक्शन बायो इंजीनियरिंग लैब, नेक्स्ट इज थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स लैब, उसके अलावा है थेरासन लैब, डिजीज बायोलॉजी एंड सेलुलर इम्यूनोलॉजी लैब, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी लैब, देन अल्फा इको टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल लैब, और भी आप बहुत सारा देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक आपको रफ आइडिया दे रहा है कि किस टाइप के जो है आपको लैब मेनली आईआईटी इंदौर में देखने को मिलेगा। इससे जो है आप अपने इंटरेस्ट को भी मैच कर सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट का लैब जो है यहाँ पे है या नहीं। कैंडिडेट्स आर स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू विजिट द फैकल्टी प्रोफाइल एट दिस लिंक एंड लैब वेबसाइट अप्लाइंग बिफोर अप्लाइंग टू द पीएचडी प्रोग्राम। तो क्योंकि आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में भी देखना होगा कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो लैब या उस तरीके का जो फील्ड है वो आईआईटी इंदौर में अवेलेबल है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। तो जिसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो है आप फैकल्टी की प्रोफाइल पे जाइए, उनके लैब में किस तरीके के काम चल रहे हैं उसके बारे में पढ़िए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो भी वहां पे उससे रिलेटेड जो है आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो आप पीएचडी के प्रोग्राम को अप्लाई करने से पहले जो है ये आपके लिए एडवाइसेबल है कि आप वेबसाइट पे विजिट करें, साथ ही साथ फैकल्टी की प्रोफाइल पे भी विजिट करें। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू द वेबसाइट जो कि ये है लिंक के थ्रू यहाँ पे मेंशन करके रखा है। ऑल दो मैंने आपको ये दिखा दिया था जब मैं इनिशियली जो है उनकी वेबसाइट पे आपको सारे लिंक्स शो कर रही, तो वहीं पे अप्लाई का ऑप्शन है। दिस विल जनरेट अ यूनिक एप्लीकेशन आईडी फॉर द ईच एप्लीकेंट। एप्लीकेशन फी के लिए काइंडली आप पीएचडी के एडवर्टाइजमेंट पे देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन की फी जो है इनकी 100 रुपीज होने वाली है फॉर द इंडियन कैंडिडेट्स। इसके अलावा मेंशन है द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू मस्ट ब्रिंग द साइन हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द एसबीआई कलेक्ट रिसीप
रीसेंट फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड रेलेवेंट सर्टिफिकेट। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका शॉर्टलिस्ट आपका हो जाता है, आपका नाम आ जाता है फॉर इंटरव्यू, तो उस टाइम पे जो है आपको एप्लीकेशन का एक हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, जो फी आपने पे की है उसका SBI कलेक्ट रिसिप्ट जो है सबमिट करना होगा, रीसेंट फोटोग्राफ एंड सेल्फ अटेस्टेड रेलेवेंट सर्टिफिकेट जो होंगे, जो कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको प्रूव कर सकते हैं, तो वो सब कुछ अटैच करना होगा। और इसके अलावा जो है ये सब चीजें जो है आपको मेनली इंटरव्यू के टाइम पे शो करना होगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट, देन सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड आउट फॉर ईच डिपार्टमेंट। और अगर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल फॉर्म सबमिट करना होगा। कोई भी किसी भी टाइप का TA/DA जो है एप्लीकेंट को नहीं पे किया जाएगा फॉर आइदर द रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। आपको अपने खर्चे पे जो है आने जाने का काम करना होगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड अरेंज टू सेंड अ मिनिमम ऑफ टू लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन डायरेक्टली टू दिस ईमेल ID और प्रोवाइड इन अ सील्ड एनवेलप बिफोर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ये आपसे डिमांड किया गया है, वो भी दो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। अब वो रिकमेंडेशन आपको या तो इनकी इस मेल ID पे भेज देना है, या फिर अगर आप बाई पोस्ट भी भेजना चाहते हैं तो एक सील्ड एनवेलप में इंटरव्यू से पहले जो है उनके पास वो रिकमेंडेशन लेटर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये दो केसेस रखे गए हैं। मेयर फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डज नॉट गारंटी दी एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ BSBE। क्योंकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ मीट हो रही है तो दैट डजेंट मीन कि आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, आपको इनके रिटर्न एज वेल एज जो इंटरव्यू है उसे भी क्वालिफाई करना होगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपियर फॉर द रिटर्न टेस्ट एंड इन पर्सन इंटरव्यू ऑन IIT इंदौर कैंपस, नो ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। तो ये भी चीज यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दी है कि जो स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और आपका इन पर्सन इंटरव्यू भी होगा IIT इंदौर के कैंपस में ही होगा, किसी भी टाइप का ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा। और बाकी जो यहाँ पे मेंशन है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि आप देख सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ एडमिशन में जो है आपको अगर PhD का जो एडवर्टीजमेंट देकर रखा है इंस्टीट्यूट पे, वो अवेलेबल है, आप यहाँ के थ्रू देख सकते हैं। जो मैंने इनिशियल टाइम में आपको दिखाया था एडवर्टीजमेंट, उसी के बारे में मेंशन करके रखा। अब यहाँ पे देख लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्जाम। आपका मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए बायोसाइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए, जैसे कि बोला है मिनिमम फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, फार्मेसी विद वैलिड UGC, CSIR, JRF क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट फेलोशिप। पहला क्राइटेरिया क्या दिया है कि आपका MSc इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, उसके साथ जो है CSIR या UGC JRF क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई फेलोशिप गिविंग एग्जाम जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम फर्स्ट क्लास MTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद वैलिड CSIR और UGC JRF क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट फेलोशिप। अच्छा, ये अदर डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है, क्योंकि अब हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ बायोसाइंस के डिपार्टमेंट नहीं है, अदर डिपार्टमेंट भी है, तो उनके लिए यहाँ पे मेंशन करके रखा है। बाकी भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। इन्होंने MSc के साथ कुछ यहाँ पे कैटेगरी तो मांगी है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ जो है एक फेलोशिप, मतलब ऐसा कोई एग्जाम जिससे कि आपको फेलोशिप मिले, उस एग्जाम की भी रिक्वेस्ट की है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया CSIR, UGC नेट हो गया, DBT का DBT हो गया, ICMR हो गया, ये सब जो एग्जाम होते हैं वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, तो इनमें से कोई भी एग्जाम जो है क्लियर रहना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आपको रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर जाना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके उनका जो प्रोफाइल होता है उसको डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस यहाँ पे देख के रखा है, जहाँ पे ऑब्वियसली आपको रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू के लिए जाना है, और साथ ही साथ इन्होंने ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन करके रखी है। तो ये कुछ की डिटेल थे रिगार्डिंग द PhD प्रोग्राम जो कि IIT इंदौर के द्वारा जो है पब्लिश किया गया। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं IIT इंदौर में। थैंक यू सो मच एवरीवन। इससे जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पार्शल। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।